हिना खान से लेकर करण मेहरा तक जाने अब क्या कर रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पुराने स्टार कार्ड्स हिना खान ने, ये रिश्ता क्या कहलाता है अक्षरा के किरदार में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस वक्त वो एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई हैं, एक्ट्रेस रियलिटी शोज के साथ ही कई फिल्म और वेब सीरीज में भी नजर आ रही है। इस वक्त वो टॉप टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। करण मेहरा ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैती का किरदार निभाया था। इस शो के बाद वो किसी सीरियल में तो नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने कई रियलिटी शोज और म्यूजिक वीडियो में नजर आए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस लता सबरालवाल ने शो में राजश्री का किरदार निभाया था। इस शो के बाद वो किसी शो में नजर नहीं आई है। इन दिनों लता ब्लॉगिंग कर रही है और वो अपने इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल से जुड़ी वीडियो भी पोस्ट करती है। रोहन मेहरा भी ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ चुके हैं। उन्होंने शो में अक्षरा और नैती के बेटे का किरदार निभाया। इस शो के बाद वो कई रियलिटी शो और ससुराल सिमर में भी नजर आ चुके हैं। इन दिनों रोहन कई वेब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। शिवांगी जोशी भी ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड रोल निभा चुकी हैं। इस शो के बाद वो खतरों के खिलाड़ी 12 में नजर आई थी। इन दिनों एक्ट्रेस सीरियल बरसाते में नजर आ रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक्ट्रेस मोहसिन खान भी शो में लीड रोल नजर आ चुके हैं। इस शो के बाद कभी सीरियल में नजर नहीं आए हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो कई म्यूजिक और वीडियोस में भी नजर आ चुके हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम मोहिना कुमारी ने शो में कीर्ति का किरदार निभाया था। इस शो के बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।